पीसीबी ने वो कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे पीसीबी ने पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहादुरी दिखाई है और फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। हुआ क्या कि आपने देखा कि पीसीबी ये बार बार कह रहा था कि हमें अभी तक रिटर्न लेटर के अंदर कुछ भी चीज इन्फॉर्म नहीं हुई, तो आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने जो एडवाइस मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से बीसीसीआई को, उन्होंने आईसीसी को भेजी थी, वो ईमेल कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को रिटर्न फॉर्म में मिल चुका हुआ है कि इंडिया नहीं आ रहा। पीसीबी ने यहां पे क्या किया, पीसीबी ने बगैर किसी वेट किए वही ईमेल को ट्रांसफर किया गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और यहां पे जो सबसे मजे की चीज थी वो ये हुई कि यहां पे टाइम नहीं मांगा गया, गवर्नमेंट के पास जैसे ही मेल गई है गवर्नमेंट ने फौरन इसके ऊपर रिएक्ट किया और स्टेटमेंट जारी कर दी। ये जारी की गई है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी नहीं होती तो पीसीबी जो है ना फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी से अपने आप को जैसे कहते हैं ना वो बायकॉट कर लेगा या साथ ही साथ इंडिया के साथ कभी भी मैचेस नहीं खेलेगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कि फिर पाकिस्तान और इंडिया आपस में कभी मैचेस नहीं खेलेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एक और खबर चल रही थी, वो ये चल रही थी कि इंडिया के ग्रुप के अंदर पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान का सेपरेट ग्रुप होगा, जो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश न्यूजीलैंड वाला जो ग्रुप था ना उसके अंदर पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान का एक सेपरेट ग्रुप होगा, ये खबरें चल रही थी। लेकिन अब ये खबरें भी इसी के साथ साथ हाइब्रिड मॉडल भी तो था ना कि इंडिया अपने मैच कहीं और खेलेगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी या तो नहीं होगी। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो डायरेक्टली बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, उनसे रब्ता करेंगे और उनको कहेंगे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम प्रॉपर जैसे कहते हैं तरीके से सिक्योरिटी देंगे इंडियन टीम को, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी फैसला ये देखना जरूरी होगा। लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आई हैं वो ये सामने आई है कि पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने बगैर कुछ सोचे समझे डायरेक्टली जवाब दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर हमने यहाँ पे अगर पीछे हट गए ना तो फैंस हमें नहीं छोड़ेंगे, बनता भी था। और बड़ा अच्छी स्टेटमेंट आई कि अब से हमने क्रिकेट ही नहीं खेलनी इंडिया के साथ अगर यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, हमने हर दफा हम भारत में भी जाके खेले, हमने हर दफा जैसे कहते हैं ना हाथ बढ़ाया आगे, हमारे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, हमने अभी भी बड़े अच्छे तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, हम प्रॉपर तैयार हैं और ये गुड चीज है। मोहसिन नकवी साहब की जब जी आपने बातें सुनी हो तो वो बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं हमें पूरी उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान आएगा। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया दुबई में भी तैयारियां शुरू हुई हुई नजर आ रही है, तो ये क्या सिलसिला चल रहा है, क्या हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो तो डिले हो चुका है, अब ये देखना है कि वो कब तक जिसको कहते हैं अनाउंस होता है, इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ये सही होती है या नहीं होती।